आजादी के बाद पहली बार कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टीटवाल में ऐतिहासिक शारदा मंदिर में पूजा हो रही है। पूजा के कार्यक्रम में अच्छी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हैं और इस दौरान कश्मीरी पंडितों का जत्था भी मौजूद रहा। मंदिर में पंचलोहा की प्रतिमा स्थापित की गई। कर्नाटक के श्रृंगेरी से इस मंदिर में प्रतिमा लाए जाने के लिए रथ यात्रा भी हुई थी। सोमवार को कश्मीर के शारदा मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह ने आजादी के बाद पहली बार पूजा की और इस दौरान उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, यह घाटी में शांति की वापसी का प्रतीक है। मंदिर का जीर्णोद्धार इस साल 23 मार्च 2023 को गृहमंत्री ने किया था। इस मंदिर का निर्माण उसी जमीन के टुकड़े और उसी पैटर्न पर किया गया है जहां विभाजन से पहले के दिनों में मंदिर मौजूद था। आपको बता दें, मां शारदा का मुख्य पीठ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाली कश्मीर में स्थित है। यह प्राचीन भारत में विद्या अर्जुन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह जीर्ण हो चुका है। पहला दिन वो भी कश्मीर में शारदा मैया की दिव्य चरणों में पहला दिन पूजा करने के लिए सौभाग्य भगवती ने अनुग्रह किया। इसके साथ साथ हम सभी लोग यहाँ आकर पूजा करने के लिए सौभाग्य मिल रही के मतलब इसके लिए दो कारण हैं, शारदा मैया हैं। ये पहली बार विभाजन के बाद ऐसा हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन टेंपल का किया 22 मार्च को इसी वर्ष, और उसके बाद यात्री पूरे देश भर से विदेश से आ रहे हैं और अपना शारदा माता का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये जो बेस कैंप है, ये हमारा एक सिख गुरुद्वारा और मंदिर हुआ करता था, जो 1947 में विभाजन के पाक प्रॉक्सी वार में जलाया गया था। वहीं शारदा मंदिर में पूजा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि काफी आध्यात्मिक महत्व की बात है कि 1947 के बाद पहली बार इस साल कश्मीर के ऐतिहासिक शारदा मंदिर में नवरात्रि की पूजा आयोजित की गई। इससे पहले इसी चैत्र नवरात्र की पूजा हुई और शारदीय नवरात्र पूजा के मंत्र मंदिर में गूंजे। वो भाग्यशाली रहे कि उन्हें 23 मार्च 2023 को जीर्णोद्धार के बाद शारदा माता मंदिर को फिर से उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये न केवल घाटी में शांति की वापसी का प्रतीक है, बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लौ के फिर से प्रज्वलित होने का भी प्रतीक है। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।